कपिल शर्मा का नया शो लॉन्च होने वाला है। इस शो को लेकर फिर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। कंट्रोवर्सी हुई है सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के बीच। कंट्रोवर्सी हुई थी ट्विटर पर, जहां सुनील ग्रोवर से पूछा गया कि वो इस शो का पार्ट क्यों नहीं है, तो सुनील ने कह दिया था कि जब उन्हें किसी ने अप्रोच ही नहीं किया तो वो शो का पार्ट कैसे होंगे। कपिल ने कहा कि उन्होंने सुनील को कम से कम 100 बार कॉल किया, लेकिन सुनील ने कोई जवाब नहीं दिया। अब कपिल के एक करीबी सोर्स का ये कहना है, सुनील ग्रोवर शो का हिस्सा नहीं है। इसका कारण था सुनील की खुद की एक शर्त, जिसमें सुनील ग्रोवर ने कहा था कि वो नहीं चाहते कि सीरियल का टाइटल फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा हो, बल्कि इस सीरियल का टाइटल होना चाहिए फैमिली टाइम विद कपिल एंड सुनील। वो चाहते थे उनका नाम भी टाइटल में आए, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने उनकी बात को सिरे से नकार दिया। प्रोड्यूसर्स ने ये कहा है कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हो या फिर द कपिल शर्मा शो हो, इन दोनों शोज को कपिल ने खड़ा किया है। कपिल की खुद की ब्रांड आइडेंटिटी है और सुनील ग्रोवर उतने बड़े लेवल के स्टैंड अप कॉमेडियन अभी तक नहीं बने हैं कि वो कपिल के साथ 50-50% की ब्रांड आइडेंटिटी शेयर कर सके। सुनील ग्रोवर ने सोलो स्टैंड अप बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार उसका अंजाम बुरा ही हुआ। जब जब उनके साथ की स्टार कास्ट मौजूद होती है, सुनील की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ये कहना है कपिल के करीबी सोर्स का। उस सोर्स ने ये भी कहा है कि कपिल और सुनील के बीच जो झगड़ा हुआ था, उसे फ्लाइट के दौरान ही सेटल कर लिया गया था। दोनों एक दूसरे को गले लग के घर पहुंचे थे, लेकिन कपिल जब रात को सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया भरा पड़ा है। हर शख्स उनकी बुराई कर रहा है, उनके ड्रंकन बिहेवियर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कपिल इस बात को हैंडल नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सुनील से माफी मांगी और उन्हें वापस बुलाने की कोशिश की। पर सुनील, जो खुद कपिल पर इल्जाम लगा के एक बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में दिखना चाह रहे थे, अपने आप को एस्टेब्लिश करने की होड़ में लग गए और अब तक उनका कोई सोलो शो नहीं आ पाया है। इसका कारण यही है कि वो एक सोलो स्टैंड अप कॉमेडियन आज तक नहीं बन पाए हैं। अभी तक सुनील ग्रोवर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन अगर सुनील ग्रोवर ने टाइटल में अपने नाम को लेकर लड़ाई की थी, तो वाकई सुनील ग्रोवर का क्रिटिसिज्म अब सोशल मीडिया पर होना तय है।